हाय फ्रेंड्स, मैं सा सागर आप सबको स्वागत है प्री मैच एनालिसिस बिटवीन कोलकाता नाइट राइडर्स एंड मुंबई इंडियंस। आज सबको पता है आज आईपीएल का पांचवा मैच है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर का जो पहला मैच है। आज कोलकाता नाइट राइडर फेस करेंगी मुंबई इंडियंस के साथ। तो आज का मैच कैसे रहेगा और कोलकाता नाइट राइडर्स अपने कौन सी टीम को लेके फील्ड में उतरेगी, और मुंबई इंडियंस जो पहला मैच हार चुकी है चेन्नई के साथ, वो अपना पहला मैच जीतने के लिए अच्छे तैयार से आएगी, तो मुंबई इंडियंस की टीम से कौन कौन खेलेंगे, ये सब के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते इस पूरा वीडियो को। कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि दो बार आईपीएल चैंपियन हो चुकी है, और मुंबई इंडियंस जो कि आईपीएल टाइटल को अपने नाम पे चार बार कर चुकी है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पहला मैच आज खेलने जा रहे हैं मुंबई इंडियन के साथ। तो मुंबई इंडियन और कोलकाता नाइट राइडर के तो हिस्ट्री रखेंगे, तो बहुत बार ऐसे हिस्ट्री हुए कि कोलकाता और मुंबई इंडियन से ज्यादा मैच मुंबई ने जीती है। कितना मैच तो मैं आपको अगले मैच में बता दूंगा कि टोटल कितना मैच आज तक फेस किए है और कितना, इसमें तो आपको बताऊंगा 80% मैच मुंबई ही जीतती है, ये पहले से ही है आईपीएल हिस्ट्री में। लेकिन इस बार कोलकाता अपनी पूरी तैयारी के साथ आई है, जो कि इस टीम में बहुत सारे ऐसे शानदार खिलाड़ी हैं जो मैच को अपने नाम कर सकते हैं। आपको तो एक ही नाम बता दूंगा, वो एंड्रयू रसेल, जो कि मैच को जैसे भी परिस्थितियों मैच को अपने तरफ खींच सकते हैं। आज हमको देखने मिलेगा रसल मानिया, तो आप सब रेडी हो जाइए हमारे साथ 7:30 बजे देखने के लिए। तो पहले बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। मेरा ये सोचना है कि जो उनका 11 टीम होगा, तो आपको पहला पता होगा उनका कैप्टन है दिनेश कार्तिक, वो तो जरूर खेलेंगे, विकेट कीपर भी वही करेंगे। तो मेरा ये प्लानिंग है आज कौन कौन ओपनिंग करेंगे वो आपको मैं पहले बता रहा हूँ। मेरा सोच है कि पहले जैसे सुनील नारिन, जो कि उनको बोल जाएगा आप जाइए और अपने तरफ से जितना हो पाइए मारिए और आइए, यही उनका पहला प्लानिंग। सुनील नारिन के साथ इस बार शायद आपको पता है क्रिस लिन नहीं है, जो कि मुंबई की तरफ है, तो इस बार शुभम गिल को हम, मेरा ये प्लानिंग है कि सुनील नारिन के साथ शुभम गिल नहीं तो नीतीश राणा ये ओपनिंग करेंगे। तो ओपनिंग करने से रहेगा सुनील नारिन नहीं तो शुभम गिल नहीं तो नीतीश राणा, ये तीनों प्लेयर होंगे। उसके बाद आपको पता होगा कि इयान मॉर्गन यूएई दुबई पहुंच गए है, और शायद वो उनका क्वारंटाइन भी नहीं होगा, वो शायद मैच आज खेलेंगे। तो मेरा प्लानिंग है ये भी मैच में रहेंगे, सुनील नारिन ओपनिंग करेंगे, सुनील नारिन के साथ शुभम गिल नहीं तो नीतीश राणा, उनके बाद आएंगे इयान मॉर्गन, और इसके बाद आएंगे अपना कैप्टन दिनेश कार्तिक, इस सिचुएशन के बाद खेलेंगे एंड्रयू रसेल। इसलिए था हमारा पूरा बैटिंग नंबर, तो सुनील नारिन, शुभम गिल, नीतीश राणा, इयान मॉर्गन, एंड्रयू रसेल, दिनेश कार्तिक। उसके बाद जो आईपीएल के इस बार के सबसे ज्यादा पैसे दे के खरीद गए है वो है पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप बॉलर है, वो आज खेलेंगे, वो भी यूएई पहुंच चुके हैं। उसके आगे कुलदीप यादव, कमलेश नगरकोटी, शिवम मादी और परदेश कृष्णा। मैं यहाँ आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि पैट कमिंस के साथ मेरा कंपनी ये भी है अली खान, जो कि टीकेआर के टीम पे थे, वो भी अभी केकेआर के स्क्वाड में आ चुके हैं, वो उनका भी क्वारंटाइन खत्म हो चुका है। शायद पैट कमिंस के जगह अली खान भी अच्छा प्रबंध था टीकेआर में, और टीकेआर अपना एक भी मैच नहीं जीता और टाइटल अपना हाथ किया, आप तो सबको पता होगा। तो पैट कमिंस के मैं रखूंगा ऑप्शन अली खान। तो ये था मेरा केकेआर का पूरा 11 टीम, शायद दिनेश कार्तिक यही प्लानिंग लेके टीम पे उतरे गए। तो अब बात करेंगे मुंबई इंडियंस के बारे में, जो मुंबई इंडियंस जो पहला मैच अच्छा इनिंग्स खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या का बल्ला नहीं बोला, आज शायद हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या दोनों का बल्ला बोलेगा। हार्दिक पांड्या को हम तो बोलते हैं कुंफू पांड्या, आज हमको कुंफू देखने मिलेगा, और जो हमारे हिटमैन है वो तो ओपनिंग ही करेंगे रोहित शर्मा, तो देखते हैं रोहित शर्मा बल्ला उस दिन नहीं खेला, अभी तक जो 5 मैच हुए हैं जो भी हमारे इंडिया के टॉप है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, धोनी का बल्ला कल बोला, लेकिन ये हमारे जो ऊपर वाले बल्लेबाज है, ये लोग अभी तक आईपीएल में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, उनका बल्ला नहीं बोला है। शायद आज रोहित शर्मा जो हिटमैन जिसको बोला जाता है, आज हिटमैन अपना शो दिखाएंगे और स्टेडियम झूमेगा हिटमैन। तो आज मेरा ये 11 प्लानिंग है कि शायद मुंबई इंडियंस अपनी सेम प्लानिंग सेम टीम लेके फील्ड में उतरेगी, कुछ बदलाव ऐसे हो सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओपनिंग तो ऐसे ही रहेगा रोहित शर्मा, कुंटन डिकक, फिर आएंगे सूर्यकुमार यादव, सौरभ तिवारी जो कि पहला मैच में अच्छा इनिंग्स खेल के स्कोर को आगे लिए थे, हार्दिक पांड्या जो कि हमारे है कुंफू पांड्या, किरण पोलार्ड, कुणाल पांड्या, और एक बात बोलूंगा यहाँ जेम्स पैटिसन जो कि पहला मैच उनका था
चारों में 27 रन देके एक विकेट ले थे, लेकिन वो उतना एक्टिव नहीं लगे, इतना ले में ले आए थे। तो शायद उनके जगह में आज निंथन कुंटन नील को शायद मुंबई ने खिला सकती है, क्योंकि निंथन कुंटन नील पहले से ही कोलकाता के लिए खेल चुके हैं, तो उनके खिलाफ खिलाना मुंबई ने खेला शायद थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका पता होगा कोलकाता के बैट्समैन कैसे है, क्योंकि कोलकाता में की स्क्वाड में पहले से कुंटन नील 2-3 साल रह चुके हैं। तो मेरे साथ ये रहा या आज प्लानिंग है कि जेम्स पैटिसन जो पहला मैच खेले थे उनके ऑप्शन में आज रोहित शर्मा शायद नाथन कुंटन नील को खिला सकते हैं। फिर आएंगे राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह और हमारा आएंगे ट्रेंट बोल्ट। ये था शायद यही प्लानिंग लेके मुंबई इंडियंस फील्ड में उतरेगी। पहले मैच में तो हार्दिक पांड्या ने अपने बल 1 छक्का लगाए थे, लेकिन उनका बल्ला नहीं बोल पाया, तो शायद आज कुंफू पांड्या हमको हिट कैसे उनको हेलीकॉप्टर शॉट दिखाएंगे। तो और हमको आज देखने मिलेगा रसल मानिया, ये मेरा आज सोच है, रसल आज अपना मसल प्लावा दिखाएंगे और हम देखेंगे आज रसल मानिया। तो आज मैं आपको बोल रहा हूँ, जब अगर जो भी टॉस जीतेगा, यही मेरा भी कल का प्लानिंग था, आज का भी यही प्रेडिक्शन है, जो भी पहले टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग नहीं वो पहले बॉलिंग खेलेगा, क्योंकि बाद में ड्यू गिरने से कारण आज तो आबुधाबी में मैच हो रहा है, तो मेरा यही शायद प्लानिंग, जो भी टॉस पहले जीतेगा वो पहले ही बॉलिंग लेगा, क्योंकि चेज करके मैच जितना भी अगर कल तो देखते हैं चेज कर मैच चेन्नई सुपर किंग जीत जाती, लेकिन थोड़ा बीच में रुक गए तो थोड़ा शॉट खेले, लेकिन चेज करना आईपीएल में अच्छी बात है। आप और तो कोलकाता का हिस्ट्री है, पहले से भी वो मैच चेज करके ही जीते हैं, और दिनेश कार्तिक का तो यही प्लानिंग है, अगर मैच टॉस जीते तो पहले फील्डिंग लेगी, और मुंबई इंडियंस भी अगर टॉस जीतेगी तो उनका पहला मैच हार चुके हैं, वो भी थोड़ा मैच को जीतना चाहेंगे, तो वो भी थोड़ा टॉस लेके फील्डिंग करने के लिए मेरा भी ये प्लानिंग है। शर्मा भी अगर टॉस जीतेंगे तो पहले फील्डिंग ही लेंगे, और जो भी जीतेगा तो वही प्लानिंग है, पहले फील्डिंग लेगा, और मेरा ये प्रेडिक्शन है जो भी अपनी बैटिंग करेगा उसका स्कोर रन मिनिमम, आज तो रसल पावर है, हिटमैन है, तो सबके तो आज का भी स्कोर कल जैसे था 216, तो आज भी ऐसे 200 की तरफ स्कोर जाए और मैच रोमांचक रहे, और हम घर बैठ के मैच का आनंद ले, अगर फील्ड में होते, अगर ग्राउंड में होते तो मैच का मजा और ही कुछ होता, लेकिन कोरोना के लिए हम सब फील्ड में नहीं जा पा रहे, अच्छी बात है आईपीएल हमको देखने मिल रहा है और घर बैठ के हम आईपीएल का एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन आज का था, तो दोनों टीम अपना केकेआर तो अपना पहला मैच खेलने जा रहा है और मुंबई इंडियंस का दूसरा मैच है, पहला मैच वो हार चुके हैं, तो मुंबई इंडियंस कोशिश करेंगे अपनी पहला मैच जीतने के लिए, अपना पहला मैच जीतने के लिए और जीत के आगे बढ़ने के लिए, और कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पहला मैच जीत के आईपीएल में अच्छे स्टार्टअप के साथ आगे जाने की कोशिश करेगी। तो दोनों के लिए मेरे आज बेस्ट ऑफ लक। तो ये था दोस्तों आज का पूरा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जाने से पहले बेल आइकन दबाने के लिए मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले मैच में, तो 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ी रहिए मैच देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय जगन्नाथ।